हाय फ्रेंड्स, मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं, ये जगह बहुत करीब है दिव्या भारती जी के। दोस्तों, ये वही घर है जो दिव्या भारती जी का है, जिसमें दिव्या भारती जी के बचपन के दिन गुजरे हैं, जहां पर वो रहती थी अपने भाई के साथ में, जहां पर वो रहती थी अपनी मम्मी पापा के साथ में। भाई, आप मेरे पीछे देख रहे हो जिमखाना, जुहू जिमखाना। ये वही जिमखाना है जो दिव्या भारती जी का था। मैं आज इनका आपको बचपन का घर दिखाने वाला हूँ। तो बचपन का घर एकदम ही बाजू में था। अंकल एक मिनट इधर आएंगे भैया, एक मिनट इधर आओ ना। अरे आओ तो सही। अंकल ये अर्चना कुटीर बिल्डिंग है ना? हाँ। दिव्या भारती जी का बिल्डिंग है ये। हाँ। फिफ्थ फ्लोर पे अभी भी वो रहते हैं क्या कुणाल सर? नहीं, अभी काम चालू है। उन लोगों ने बेच दिया कि वो उनका है? फिफ्थ और सिक्स, फिफ्थ पर दो फ्लैट है ना उनका? उनसे मेरे को कॉन्टेक्ट करने का है। हाय फ्रेंड्स, मैं फहीम, आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों, आज मैं फिर से आपको लेके आ चुका हूँ जुहू के इलाके में, वो इलाका जहाँ पर दिव्या भारती रहती थी। उनकी यादों से यहाँ की एक गली गली गूंजती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये जो आप देख रहे हो ये है जुहू का जिमखाना। मैं जिमखाने की वीडियो आपको पहले भी बना के बता चुका हूँ, लेकिन जैसे आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि फहीम भाई कि आप हमें उनका बचपन का घर दिखाओ, लेकिन जैसे आप जानते हो मैं कभी भी वो चीज़ आपको नहीं दिखाऊंगा जहां पर मैं कंफर्म नहीं हूं। तो मुझे अभी तक मालूम नहीं पड़ा था, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ था, लेकिन दोस्तों मुझे अब मालूम पड़ चुका है कि वो बचपन में कहां रहती थी, वो अपने मम्मी डैडी के साथ में कहां पर रहती थी, वो घर कौन सा है जहां पर उनके वो बचपन के दिन गुजरे हैं, शादी से पहले के दिन गुजरे हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये है जिमखाना, और जिमखाना के बस मैं पीछे ऐसा रोटेट हो रहा हूं, और यहां पर ये जो क्रीम कलर की आप बिल्डिंग देख रहे हो, वो जो गेट देख रहे हो, वो है अर्चना कुटीर बिल्डिंग। दोस्तों, अर्चना कुटीर वही बिल्डिंग है जहां पर वो अपनी फैमिली के साथ में रहती थी। ये बिल्डिंग है और ये है हमारा स्पोर्ट्स क्लब एकदम पास में ही दोस्तों। तो वो यहीं से स्पोर्ट्स क्लब जाती थी अपने भाई कुणाल भारती के साथ में, वो अपने परिवार के साथ में यही बिल्डिंग में रहती थी जिसका नाम है अर्चना कुटीर। दोस्तों, हमारी वॉचमैन सर से बात हो चुकी है। मेरे को ना उनका भी थोड़ा ये बताने का है उनके बारे में, तो उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है आपके पास? आप कॉन्टैक्ट करके दे सकते हो उन लोगों का? हाँ, हमारे पास नहीं। आप अगर आएंगे तो मैं आप नंबर दे दीजिए कौन से चैनल से। हाँ, क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है, तो मेरे को टीम ने भेजा है कि आप एक बार बिल्डिंग में जाके कॉन्टैक्ट करो कि उनका कौन सा घर था। उनका जो अंतिम संस्कार हुआ था वो इधर ही हुआ था ना? आप नहीं थे शायद वो टाइम पर, आप नहीं थे ना? नहीं। कितना साल हुआ यहाँ पर काम करके? यहाँ तो मान लो अभी यहाँ पर देखा हूँ मैं, जब भी आएंगे तो मैं बात करता हूँ। अच्छा, वो इधर ही रहते हैं ना? हाँ, कुणाल सर इसी बिल्डिंग में रहते हैं। बिल्डिंग में रहते हैं, अभी काम चालू है तो अभी दूसरी जगह उधर रहते आते जाते। ये जो टॉप फ्लोर है पूरा उनका है, उनका है। मेरे को उनसे कैसे भी मिलने का है। आप नंबर अपना दे दो। हाँ। मैं फिर बात करूँगा। और उनका नंबर मुझे मिल सकता है कैसे भी? फोन करेंगे तो आ जाएगा। मेरे पास तो अभी पेन नहीं है, एक लड़का मेरे साथ में दे देता हूँ। आप पेपर और एक पेन दे दो ना, बहुत बहुत शुक्रिया होगा।
भाई ये अंकल हैं जिससे मेरी बात हुई है, मैं इनको नंबर दे रहा हूँ, जो ये सर कुणाल सर को नंबर दे देंगे, ये उनका नंबर नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कुणाल सर को नंबर देंगे तो अपने को नंबर मिल जाएगा। तुम इन पे नंबर लिख के दो मेरा अच्छे से, 72 लिख दोगे ना तुम? मेरा चलेगा चलेगा। अंकल आप खुद से लिखोगे, लिख दे दें दे हम लिख दे। इधर ना सबसे पहले लिखो मेरा नाम, लिखो फहीम यार, आओ इतना कई बार अच्छे से लिख के दो। हाँ यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, ये यहाँ पे लिखो फहीम, FAHIM अहमद, AHMED MED, सामने नंबर लिखो 7208। बहुत फेमस बिल्डिंग है ये, बहुत फेमस ज़्यादा बिल्डिंग है, पूरे हिंदुस्तान इसको देखना चाहता है, इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है हमारे पास में कि बस हमको वो बिल्डिंग वो घर दिखा दो जहाँ पर वो रहती थी बचपन में। वो इधर पैदा नहीं हुई थी, पैदा वो पाली हिल पर हुई थी, लेकिन वो बचपन इधर रहा है, इधर जिम खाने में वो जिम करती थी। तो उनसे थोड़ा सा परमिशन लेके अपन को उनका फ्लैट का अगर थोड़ा मिल जाएगा तो बढ़िया रहेगा। अच्छा अभी यहाँ का वीडियो बनाऊंगा तो प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बाहर से ही बोलना, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, बोल रहा था लड़का के लाखों लोग खाली वो घर देखना चाहते हैं, कुणाल भाई से मिलना चाहते हैं और वो खुद देख लेंगे। जैसे वो चेक करेंगे ना तो उनको उधर सब दिखेगा कि कितने लोग, हजारों लोग खाली ये बोलते कि भाई कुणाल भाई का कौन, क्योंकि कोई नहीं बचा, सिर्फ कुणाल भाई है कि कुणाल भारत भाई का हमको घर दिखा दो बस ऐसा वैसा। तो आप उनसे बोल देना कि ये बंदे के चैनल का नाम है और ये था, बोल रहा था बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था कि सिर्फ आपसे 10 मिनट मांग रहा था। ठीक है अंकल, आप उनको बोलना कि खाली 10 मिनट मांग रहा था, NL कॉलेज में प्रोफेसर है लड़का। ओके ठीक है, चलो अंकल थैंक यू सो मच, ये कंफर्म हो गया। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी बस इतना बता दो ये जो 5th फ्लोर है वो पूरा उनका है ना, वो यहीं पर रहते थे ना बचपन से ही, और वो जो उनकी मम्मी डैडी की डेथ हुई वो इधर ही हुई है। दोस्तों ये वही घर है जो उनकी यादों से बसा हुआ है, जहाँ पर उनके यू नो कितने बचपन के दिन गुजरे हैं। दोस्तों आप इधर नाम देख सकते हो, दोस्तों बिल्डिंग का नाम है अर्चना कुटीर। दोस्तों शादी से पहले वो यहीं पर रहती थी, इसी जगह घर से वो अपने स्कूल पढ़ने जाती थी, इसी जगह से वो अपना जिम जाती थी। दोस्तों जिम जो स्पोर्ट्स क्लब की फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ, वो देखो आप सामने जो आपको ये पेड़ों के पीछे जो जगह दिख रही है, बस यही स्पोर्ट्स क्लब था। तो वीडियो में मैंने आपको बताया था वो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी और वो अपने भाई कुणाल भारती के साथ में ही जाती थी। तो मतलब आप यहाँ पर तो ये समझ सकते हो कि स्पोर्ट्स क्लब सिर्फ इतनी दूर था कि बस ये रोड क्रॉस किया तो स्पोर्ट्स क्लब आ जाता था जो होगा। दोस्तों आज जो मैं यहाँ पर ये बिल्डिंग आपको दिखा रहा हूँ, ये इस वजह से दिखा रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ मैं ही नहीं आप भी बहुत जानना चाहते हो, आपको भी बहुत मोहब्बत है एक एक चीज़ से जहाँ पर दिव्या भारती जी से जो भी चीज़ जुड़ी हुई है। दोस्तों बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं वो घर दिखाऊँ जहाँ पर यू नो दिव्या भारती जी के बचपन के दिन गुजरे हैं, तो सब लोगों की रिक्वेस्ट के हिसाब से और मेरी तमन्ना के हिसाब से मैं वो आपको घर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हो ये वही बिल्डिंग है जहां पर 5th फ्लोर पर, जहां पर 5वें माले पर दोस्तों दिव्या भारती जी रहती थी, ये वही बिल्डिंग है जहां पर उनके पेरेंट्स रहते थे, ये वही बिल्डिंग है जहां पर कुणाल भारती सर आज भी रहते हैं। दोस्तों बिल्डिंग वालों से वॉचमैन सर से बात हुई है और हमने उनसे बोला है कि सर हमारा एक बार खाली कुणाल सर से हमारा इंटरव्यू करवा दो, इंटरव्यू नहीं तो बस खाली बातचीत करा दो, वो विंडो वो मेमोरी वो घर दिखा दो जहाँ पर दिव्या भारती जी के दिन गुजरे हैं। तो दोस्तों ये जो आप गेट देख रहे हो दोस्तों, ये वही गेट है जहाँ से दिव्या भारती जी का यहाँ से लास्ट जर्नी हुई है, जहाँ से उनकी चिता उठी है, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ है। दोस्तों वैसे तो दिव्या भारती जी की जो डेथ हुई थी वो तुलसी अपार्टमेंट में हुई थी जो आप देख चुके हो, लेकिन तुलसी अपार्टमेंट से उनको कूपर हॉस्पिटल भेजा गया था जो भी इसी एरिया में आता है, और कूपर हॉस्पिटल में उनको
डेथ डिक्लेयर करने के बाद उनका जो बॉडी था वो इसी बिल्डिंग में आया था, अंतिम संस्कार इसी बिल्डिंग में हुआ था। ये वही बिल्डिंग है, ना जाने यहाँ पर कितने सारे सेलिब्रिटी आए थे लास्ट टाइम पर उनके, जहाँ से उनका अंतिम संस्कार हुआ वो यहाँ से विले पार्ले के जो शमशान घाट है वहाँ पर चली गई थी। तो दोस्तों इस बिल्डिंग पर आके उनके बहुत करीब फील कर रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा है कि यार ये वही जगह है जहाँ पर उनकी जो भी ये छोटी सी उम्र गुजरी है वो इसी बिल्डिंग में, इसी बिल्डिंग के आंगन में वो खेलती होंगी किसी टाइम पर, और यहाँ पर भी कितनी बार आती जाती होंगी दोस्तों। तो दोस्तों ये ज़रूर आपको पसंद आएगा जहाँ पर हमने ये जगह देखी है, जहाँ पर हम ये गेट देख रहे हैं, इसी गेट से वो बचपन में खेलती थी, इसी गेट से वो अंदर जाती थी, इसी गेट से वो बाहर आती थी। दोस्तों वक्त बदल चुका है, आज ऐसा दिन आ चुका है कि वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके चाहने वाले आज भी बहुत उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें देखना चाहते हैं। तो उसी हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ कि मैं आपको पूरी प्रॉपर चीज़ें बता पाऊँ और सारी चीज़ें दिखा पाऊँ, जहाँ पर हम वो घर देख पाएँ जहाँ पे कुणाल भारती सर रहते थे और जहाँ पर उनके दिन गुजरे हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, जहाँ पर आपने ये अर्चना कुटीर वो जगह ये देखी है। दोस्तों अर्चना कुटीर बिल्डिंग जो है दोस्तों, ये बहुत ही कन्फर्मेशन के साथ में मैं यहाँ पर आया था, बहुत जगह उनका एड्रेस देखा था, तब जाके ये मैं समझ पाया था, लेकिन आज तो वॉचमैन सर ने ही बता दिया तो सारे डाउट क्लियर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ये रोड आपको पसंद आएंगे जहाँ से दिव्या भारती जी का एक गहरा कनेक्शन है। दोस्तों हम उसी बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, दोस्तों ये वही बिल्डिंग है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, जहाँ पर फिफ्थ फ्लोर पर दिव्या भारती जी रहती थी, जहाँ पर फिफ्थ फ्लोर पर उनका बचपन गुजरा है। दोस्तों अभी जैसे हमारी बात हुई है तो पता चला है कुणाल सर यहाँ पर नहीं है, क्योंकि पूरे फ्लोर पर इंटीरियर का काम चल रहा है तो कुणाल सर नहीं है, लेकिन हमारा मैसेज उन तक ज़रूर पहुंचेगा, जहां पर हम उनसे शायद कांटेक्ट कर पाएंगे, अगर नसीब में रहा तो उनसे ज़रूर हमारी बातचीत होगी। तो दोस्तों ये घर आपको कैसा लगा, जहां पर आपकी रिक्वेस्ट के हिसाब से मैं आया और हमने आपको वो घर दिखाया जहां पर दिव्या भारती जी के बचपन गुजरे हैं। तो ये वही विंडो है, ये वही फ्लोर है जहां पर दिव्या भारती जी रहती थी। दोस्तों आप बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं आपको वो घर दिखा दूँ जहाँ पर दिव्या भारती जी रहती थी। तो मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और एक नहीं दोस्तों मैं ना जाने कितनी सारी वीडियोस दिव्या भारती जी के बारे में लेके आ रहा हूँ, और आप जैसे जैसे बोल रहे हो उस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। दिव्या भारती जी के अलग भी आप कुछ देखना चाहते हो तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, और जिसकी वीडियो नहीं बन पा रही है तो भाई मुझे माफ़ करना, लेकिन ये समझ जाना फहीम भाई कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं एड्रेस को, लोकेशन को, इस वजह से लेट हो रहा है। बाकी ऐसा एक भी बंदा चैनल पर नहीं है जिसके लिए मैं काम नहीं करूँगा, बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर यू गाइज। वो नंबर चेक कर लो ना, वो मुझे लगता है कोई नंबर तो गलत नहीं हो गया, प्लीज़ उसके लिए रिक्वेस्ट है। एक्चुअली मालूम पड़ा मैं ये वाप हाँ 7208। थैंक यू सो मच अंकल। अंकल आप ज़रूर बोल देना हाँ उनको, हमारी तरफ से है ना, बोल देना उनके चैनल का नाम भी है नीचे कि वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल आपका। एक मिनट थोड़ा सा मैं इधर का ये भी ले लेता हूँ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, जहाँ पर आपने दिव्या भारती जी की बिल्डिंग देखी जहाँ पर बचपन में रहती थी, आपने वो बचपन का घर देखा जहाँ पर वो बचपन में रहती थी, गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू गाइज़।